नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। जिसे तुम अपना घर कहते हो वो तुम्हारा घर नहीं, वह सिर्फ एक सराय है। चौको मत, जिस छत के नीचे लोग रहते हैं उसे लोग अपना घर कहते हैं। अपने रहने के लिए कोई विशाल भवन बनाता है तो कोई महल का निर्माण करवाता है। क्या वह व्यक्ति उस महल में सदैव स्थायी रूप से रहेगा? उस भवन या महल को वह एक न एक दिन छोड़कर चला जाएगा, तब उस भवन का कोई दूसरा मालिक होगा, फिर उसके जाने के बाद कोई तीसरा मालिक होगा। ऐसे ही एक प्रसंग का दृष्टांत है। एक बार देवराज इंद्र ने अमरावती यानी इंद्रपुरी में बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण कराया। जब भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, उसकी भली प्रकार से सजावट आदि हो गई, तब एक दिन उन्होंने नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे नारद जी को मार्ग में रोककर कहा, देवर्षि, मैंने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, कृपा करके मेरे महल को चलकर देखे और बताए कि कैसा बना है। पहले तो नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, फिर प्रत्यक्ष में बोले, हे देवराज, मुझे महलों की परख आदि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं रमता जोगी बहता पानी हूँ। मेरा अपना तो कोई महल है नहीं, मुझे क्या पता कि अच्छा या सुंदर महल कैसा होता है और खराब महल कैसा होता है। हाँ, पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जो कई हजार वर्षों से पृथ्वी लोक पर निवास कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य बताएंगे। उनका नाम लोमश ऋषि है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उसी क्षण लोमश ऋषि के पास गए और प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। ऋषि ध्यान मग्न थे। देवराज इंद्र उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर देखने लगे, किंतु उन्हें लोमेश ऋषि का महल तो क्या एक कुटिया भी न दिखाई दी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब देवराज इंद्र ने पुनः प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, आपने अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनाया? घर रहने के लिए? ऐसा कहकर ऋषि हंसे। लोमश ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, यह शरीर नश्वर यानी नष्ट होने वाला है, इसका क्या भरोसा कब यह शरीर छूट जाए, तो वह बनाया हुआ घर यहीं रह जाएगा। जब वह घर साथ नहीं जाएगा तो क्यों बनाए? तब आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने कहा, ऋषिराज, मैंने तो सुना है कि आपकी आयु कई हजार वर्ष है। हाँ, आपने सही सुना है इंद्रदेव, मेरी आयु बहुत लंबी है। मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, इसके हिसाब से देवताओं की आयु 100 वर्ष मानी गई है। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इंद्र बदल जाते हैं। 100 इंद्र के बदलने पर ब्रह्मा का 1 रात दिन पूरा होता है और इस हिसाब से ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मानी गई है। जब 1 ब्रह्मा बदलते हैं तब मेरे शरीर का 1 लोम टूटता है यानी 1 रोया या 1 बाल टूटता है। मेरे शरीर के जब सारे रोम टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी मैंने 1 कुटिया भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे भी मरना है, फिर झोपड़ी या महल बनाने में समय क्यों बर्बाद करूँ। लोमश ऋषि की बातें सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और वे बिना कुछ कहे ही इंद्रपुरी वापस लौट गए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।